बुरहानपुर के निजी गुड हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद अब हर कोई इस इंतजार में है कि कब अस्पताल सील होगा। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल गुड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया था। इसके बाद SDM, CSP और शिकारपुरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आगे कार्रवाई जारी है। वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता रुस्तम शेख ने भी स्वास्थ्य विभाग के इस उदासीन रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इतनी अनियमितता होने के बाद भी यह अस्पताल संचालित कैसे हो रहा था। अस्पताल के सारे नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम पर मरीजों को गुमराह करना और इलाज किसी ट्रेनी डॉक्टरों और बगैर डिग्री धारी नर्सों से कराया जाता है। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये घटना सरासर अमानवीय और शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरीके से शव को लाकर, चाहे किसी भी कोई भी वजह हो उस मौत के पीछे, उसे अस्पताल से बाहर लाकर बरामदे में या खुले में रख देना, ये अमानवीय घटना है और उस शव का अपमान है। और निश्चित तौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, जांच की जानी चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है। क्योंकि अगर पेशेंट की मौत हुई है तो अस्पताल की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कि स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि जितने भी निजी अस्पताल हैं उन पे भी एक इस तरीके से शासन का वॉच होना चाहिए, ताकि जिला कोई भी निजी अस्पताल अपनी मनमानी न कर सके और किसी को भी जान से हाथ धोना न पड़े। इस मामले को लेकर हम स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करेंगे। हाँ, ये इसकी जानकारी मिली मुझे। हसीना तड़वी नाम की महिला थी, 40 वर्ष की, जिसकी वहाँ सीजर के बाद मृत्यु हुई है। तो इसके संबंध में हमने एक 3 चिकित्सीय दल का गठन कर दिया है, जो जांच करके पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात हम इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे।